पनवेल महापालिका हद्दीतील कळंबोलीमधील उद्यानांचे लोकार्पण तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या 1 कोटी रुपयांच्या निधीमधून खारघरमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. या विकास कामांचा शुभारंभ आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते बुधवारी झाला. भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अनेक कामे मार्गी लागत आहे. त्यानुसार आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या वतीने कळंबोली सेक्टर 11 आणि 12 येथे उद्यान बांधण्यात आलं असून या उद्यानांचे लोकार्पण तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या 50 लाख रुपयांच्या आमदार निधीमधून घरकुल सोसायटी अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण तसेच 50 लाख रुपयांच्या निधीमधून खारघर स्पेगेटी सोसायटीमधील अंतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. दरम्यान रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाच्या भूमिपूजनावेळी माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी नगरसेवक निलेश बावीसकर, नरेश ठाकूर, माजी नगरसेविका नेत्रा पाटील, भाजपचे खारघर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्षा साधना पवार, युवा नेते नितेश पाटील, समीर कदम, वॉर्ड अध्यक्ष रामचंद्र पाटील, आनंद मोकल, तर कळंबोली येथे उद्यानाच्या लोकार्पणावेळी कळंबोली मंडळ अध्यक्ष रविनाथ पाटील, माजी नगरसेवक अमर पाटील, राजू शर्मा, बबन मुकादम, माजी नगरसेविका प्रमिला पाटील, मोनिका महानवर, युवा मोर्चाचे अमर ठाकूर, सिद्धू शर्मा, कळंबोली सरचिटणीस दिलीप बिस्ट, उत्तर भारतीय जिल्हा अध्यक्ष केशव यादव, आबा घोटुकडे, महिला मोर्चा अध्यक्षा मनीषा निकम, महिला मोर्चा चिटणीस दुर्गा सहाणी, माथाडी कामगार उपाध्यक्ष रामा मानवर, उत्तर रायगड जिल्हा चिटणीस संदीप म्हात्रे, कळंबोली शहर उपाध्यक्ष सुनील ठोंबरे, युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरव नाईक, निशांत गिल, चित्रांक शेट्टी, सुभाष कदम, श्रीकांत ठाकूर, संजय दोडके, संदीप भगत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. देश के प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज है, साफ नियत स्पष्ट दिशा. तो साफ नियत होनी चाहिए, जब नियत साफ होगी तो देश का विकास होगा, कळंबोली का भी विकास होगा. ये विकास आज हम सभी को होते हुए नजर आ रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, इनकी ताकत या इनका प्रेशर जो कॉर्पोरेशन के ऊपर है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप सभी का इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आप सभी के ये फॉलोअप, आप सभी के यहाँ पर ये हर चीज का यहाँ पर फॉलोअप करने की वजह से ये चीजें मुमकिन हो पाई है. और पहले ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत के समय जब ग्राम पंचायत में एक पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, तो वो सत्ता वाले लोग अपोजिशन पार्टी वाले को उनके बताए हुए कामों को कितना तवज्जो देते थे. और आज कळंबोली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी के 51 कॉर्पोरेटर चुनकर आए थे, पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि जहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर चुन के नहीं आए, पवन मुकादम जी आपकी कुछ समय के लिए अपोजिशन पार्टी में थे, तो क्या तब भी कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि अपोजिशन वाला है उसके एरिया में काम मत करो? ना 8 नंबर में कहा, ना 10 नंबर में कहा, हर जगह पे लोगों ने यहाँ पर किसी को भी चुन कर दिया है. पर अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है. देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ताकत लगाकर काम करती रहेगी. कोई कितना भी कुछ कहे, कोई कुछ भी आज बताता रहे, जो लोग सही नियत
साफ नियत से स्पष्ट दिशा से काम करते आए भगवान मुखादेव जी, वो अच्छे राह पर चल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो तलोजा जेल में जाकर बैठे हैं, आज बाहर आने का नाम तक उनका नहीं निकलता, क्योंकि साफ नियत है। इसी साफ नियत से भारतीय जनता पार्टी आगे भी आने वाले समय में आप सभी के काम करती रहेगी। एक गुजारिश मैं आप सभी से करूंगा, जिस तरीके से कामोटा को देखते हैं वही दर्जा का ये कलम बोली भी हो, इसके लिए ये सारे प्रयास किए हुए हैं। इस ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं वो आपके लिए हो रहे हैं, ताकि आप भी ये विकास, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये विकास पूरे देश का कर रही है, उसी तरीके से आपके भी परिसर का हो सके, आप भी ये विकास के रथ पे यहाँ पे आप आरूढ़ हो सके और साथ में चल सके, इसके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम एकनाथ शिंदे जी, हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे विधायक जी प्रशांत ठाकुर जी, इनके इन्होंने यहाँ पे विकास की जो राह दिखाई हुई है, उस राह पे चल के पनवेल को नवी मुंबई और मुंबई की तरह सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। और यहाँ पे जो मतलब चलो लोग जब मतलब चलो इस मुंबई साइड में रहने के लिए आते हैं तो वो पनवेल को ही यहाँ पे प्राधान्य क्रम से चुने। यहाँ पे काफ़ी सारे रोजगार के अवसर, काम के अवसर यहाँ पे प्राप्त हो सके और जिसके माध्यम से हम खुद का विकास कर सके, इसके लिए ये सारी कोशिशें चल रही है। और इस कोशिशों में आपने जो सहयोग दिया हुआ है वो बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण ऐसा है। आपने दिए हुए सहयोग के लिए यहाँ पे मैं आपका यहाँ पे आभार व्यक्त कर देता हूँ। और ये कार्य, ये जो गार्डन्स है, ये गार्डन हमारे अमर पाटिल जी होंगे या रविनाथ पाटिल जी होंगे, ये सभी सहकारियों ने ये गार्डन का काम अच्छा हो इसके लिए जितना उन्होंने मतलब डिटेल में जाके ये काम किए हुए हैं, इसका प्लानिंग होगा, इसका काम करने का तरीका होगा, काफ़ी अच्छा ऐसा काम इन्होंने किया हुआ है। और उसके लिए जो फंड्स की जरूरत है, हमेशा वो फंड्स उपलब्ध हो सके, इसके लिए माननीय विधायक प्रशांत ठाकुर जी इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, उसके लिए हमारे कमिश्नर गणेश देशमुख जी, इनका और सबका मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ।